टू माई यूट्यूब एंजॉय कैन ऑल बीट टूगेदर बाई गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट करेंगे ये जो स्टोरी है ये एक थर्टी सेवन ईयर ओल्ड बिजनेस मैन की है हु इज द नरेटर ऑफ आवर स्टोरी उनकी एक वाइफ है दो बच्चे हैं उनका और उनकी वाइफ का एक सपना था क्या कि वो एक सी जर्नी करेंगे ठीक है कैसे करेंगे जैसे फेमस कैप्टन जेम्स कुक ने की थी काफ़ी टाइम पहले वो उनको कॉपी करते हैं इसके लिए वो एक शिप भी हायर करते हैं जिसका नाम होता है वे वॉकर ठीक है उनकी जर्नी स्टार्ट होती है फर्स्ट पार्ट उनका जो जर्नी का होता है बहुत प्लीजेंट रहता है बहुत इन्जॉय करते हैं वो लेकिन जैसे जैसे वो फर्दर मूव करते हैं काफ़ी ऑब्स्टेकल्स उनको फेस करना पड़ता है बिकॉज़ वेदर बहुत ख़राब हो जाता है लेकिन उन सिचुएशन में भी वो घबराते नहीं हैं इवन जो उनके बच्चे होते हैं वो भी उन्हें कॉपरेट करते हैं और वो क्या कहते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इन जुलाई 1976 की बात है ये मेरी वाइफ मैरी मेरा बेटा जोनाथन सिक्स रेफर टू की वो 6 ईयर ओल्ड है ठीक है उनकी डॉटर सुज़ैन जो 7 ईयर की ओल्ड है एंड आई और मैं हम लोगों ने क्या किया सेट सेल फ्रॉम प्लाई माउथ इंग्लैंड हम लोगों ने अपनी ये जो जर्नी थी वो शुरू की ठीक है समुद्री यात्रा कहाँ से प्लाई माउथ इंग्लैंड से इंग्लैंड में जगह है प्लाई माउथ वहाँ से टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉइज मेड टू हंड्रेड ईयर्स अर्लियर बाय फेमस कैप्टन जेम्स कुक जेम्स कैप्टन जो थे ये बहुत ज़्यादा फेमस थे क्योंकि ये बहुत बड़े ट्रैवलर थे ठीक है और इनके जो रूट थे ये नए नए रूट्स को एक्सप्लोर करते रहते थे ठीक है तो वो लोग क्या करते हैं ये उनको डुप्लीकेट डुप्लीकेट यानी उनके सी रूट्स को कॉपी करना चाहते हैं और क्या कहते हैं वो राउंड द वर्ल्ड और पूरे वर्ल्ड का राउंड लेना चाहते हैं कैसे वो एक, एक सी जर्नी के द्वारा जो किसने की थी कैप्टन जेम्स कुक ने की थी टू हंड्रेड ईयर्स अर्लियर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई कहते लंबे समय से मैं और मैरी मैं कौन मैं थर्टी सेवन ईयर का ओल्ड बिजनेसमैन हम लोग क्या ड्रीम कर रहे थे मैं और मेरी वाइफ एक सपना देख रहे थे क्या हमारा एक सपना था कि हम लोग सेलिंग करें इन द वॉक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर फेमस एक्सप्लोरर कौन है क्लियर हो गया ना जेम्स कुक तो मेरा और वाइफ का एक सपना था कि हम लोग जो है सेलिंग करें इस फेमस एक्सप्लोरर के जो रूट्स हैं उस पर जाएँ एंड फॉर द पास्ट सिक्सटीन ईयर्स और पिछले सोलह सालों से हमने क्या किया है अपना सारा लेजर टाइम यानि फ्री टाइम जो भी हमें मिलता था तो उसको हमने किस पे स्पेंड किया हॉर्निंग आवर सी फायरिंग स्किल्स सी फायरिंग यानि जो आप ट्रेवल करते हो बाय हॉर्निंग यानी इम्प्रूव करना मतलब जो ट्रैवलिंग स्किल्स होती है सी में ट्रेवल करने की स्किल्स होती है उसको हम लोगों ने इम्प्रूव किया अपने फ्री टाइम में और हम लोगों ने ये स्किल्स कहाँ पर इम्प्रूव की इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश वाटर्स यानी द प्लेसेस विच इज नियर बाय ब्रिटेन आवर बॉट वेव वॉकर हमारी जो बॉट थी जिसका नाम क्या है वेव वॉकर ये ट्वेंटी थ्री मीटर ट्वेंटी थ्री मीटर लंबी थी थर्टी टन थर्टी टन यानी उसका वेट कितना था थर्टी टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी वुडन हर्ल्ड ब्यूटी यानी वैसे तो हर्ड फ्रेम के लिए भी यूज होता है यानी एक लकड़ी का फ्रेम और हर्ल्ड बेसिकली यूज़ होता है जो लोअर पार्ट होता है शिप का मतलब लोअर पार्ट ऑफ द शिप जो है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने वुडन से बनाया हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट और हमने उस शिप को बिल्कुल प्रोफेशनली बनाया एंड वी हैड स्पेंड और हम लोगों ने कई महीने लगा दिए क्या फिटिंग इट आउट उसको फिट करने में इन टेस्टिंग इट और हमने उसको टेस्ट भी किया उस शिप को कहाँ पर इन द रफेस्ट वैदर वी कुड फाइंड उन उन जगहों पर जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा रफेस्ट वेदर मिला वहाँ पर ना यू हैव अ डायग्राम इन फ्रंट ऑफ व्यू ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये दो तीन वर्ड ऐसे हैं जो चैप्टर में बार बार यूज़ हुए हैं और आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए एक छोटा सा बिल्कुल डायग्राम मैंने आपको शो किया देखो ये जो शिप है इसमें आपको एक लंबा सा डंडा दिखाई दे रहा होगा इसको मास्ट बोलते हैं जब भी ये मास्ट की बात होगी तो अपने माइंड में रख लेना ये जो लंबा सा पोल है दैट इज मास्ट एक है जिब जिब क्या होती है साइड में आप देखो ये क्या है एक ट्रांगर सा कपड़ा होता है ठीक है इस कपड़े को क्यों लगाया जाता है ताकि जो वाटर की वेव्स आए या तूफान आए इन सबको स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है दैट इज नॉन एज जिब नीचे देखो बूम बूम क्या है जो सबसे नीचे शिप के ऊपर आपको एक लाइन दिख रही है ना मास्ट के साइड में जा रही है जो ये जो लाइन होती है ये बूम होता है बूम क्या करता है उसको एंगुलर मूव करने के लिए हेल्प करता है दैट इज मूव मास्ट क्लियर हुआ डंडा जिब यानी वो ट्राइंगुलर कपड़ा एंड बूव यानी नीचे वाला डंडा जो उसको एंगुलर मूव करता है नाउ लेट्स मूव फर्दर द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान थ्री ईयर वन देखो क्या हुआ कि जो फर्स्ट लेग था फर्स्ट लेग यू कैन से फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था हमारी प्लान थ्री ईयर थ्री ईयर मतलब कि थ्री पार्ट्स की उनकी जो जर्नी थी उसका फर्स्ट पार्ट वो क्या था वन जीरो फाइव जीरो 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 किलोमीटर जर्नी मतलब हमारी इतनी जर्नी बिल्कुल प्लीजेंटली पास हो गई बहुत ही आराम से निकल गई एज वी सेल्ड आउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन और हम लोग कहाँ गए वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन में दे आर फोर बिफोर हैडिंग ईस्ट लेकिन ईस्ट में जा ईस्ट की तरफ जाने से पहले वे टू कौन टू क्रूमैन अब ईस्ट में जाने से पहले हम लोगों ने ना दो क्रूमैन लिए क्रूमैन कौन होते हैं सेलर्स हम लोगों ने दो सेलर्स लिए उनका नाम क्या है अमेरिकन लेरी विचे इज द नेम ऑफ द सेलर एंड अमेरिकन लगाया क्योंकि ही बिलोंग्स टू अमेरिका सेकेंड कौन सा था स्विस हर्ब सिजलर ये कहा था स्विस से बिलोंग करता था यानी स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता था तो लैरी विजिल और हर्ब सिगलर ये दो क्रियोमैन उन्होंने अपने साथ लिए क्यों लिए ताकि वो उनकी हेल्प कर सके टू टैकल वन ऑफ दी वर्ल्ड रफेस्ट सीज क्योंकि वो लोग जो वर्ल्ड की सबसे रफेस्ट सी है वहाँ पर जाने वाले थे वो कौन सी है साउदर्न इंडियन ओशियन और वहाँ पर टैकल करने के लिए चीज़ों को संभालने के लिए उन्होंने इन दो क्रूमैन को हायर किया ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन अब सेकेंड डे जब हम केप टाउन से निकले वे बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स हमने क्या फेस किया एनकाउंटर मीन्स टू फेस हमने क्या फेस किया स्ट्रॉन्ग गेल्स गेल्स यानी विंड तेज तेज़ हवाएं चलने लगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली और कई हफ्तों तक वो कॉन्टीन्यूसली ब्लू करती रही गेल्स डिड नॉट वरी मी वो कहता है कि मैं इन विंड से परेशान नहीं हुआ लेकिन जो साइज था इन वेव्स का वो बहुत अलार्मिंग था वो बहुत डेंजरस था अप टू फिफ्टीन मीटर और वो कितना ऊंचा था फिफ्टीन मीटर था एज हाई एस्ट आवर मेन मास्ट इतना बड़ा था जितना हमारा मेन मास्ट था मास्ट क्लियर हो गया वो पोल ठीक है दिसंबर ट्वेंटी फाइव फाउंडर्स थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन ट्वेंटी फाइव की बात है हम लोग कहाँ आ गए केप टाउन से थर्टी फाइव किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट आ गए डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर हालांकि वेदर क्या था बहुत ही खराब था उसके बावजूद भी हमने एक बहुत ही अच्छी हॉलीडे कंप्लीट की किसके साथ क्रिसमस ट्री के साथ अब क्रिसमस के बाद क्या आता है न्यू ईयर आता है ना तो न्यू ईयर का दिन आया लेकिन कोई भी वेदर में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सुन लेकिन हमने सोचा कि ये जो वेदर है ये जल्दी ही क्या होगा चेंज हो जाएगा एंड इट डिड चेंज और ये चेंज भी हुआ फॉर द वर्स लेकिन बहुत ही ज्यादा खराब हो गया पहले से भी बदतर हो गया क्या हुआ देखो एड ऑन ऑन जनवरी टू जनवरी टू की मॉर्निंग की बात है the waves were gigantic, जो बहुत ही ज्यादा ह्यूज थी बड़ी बड़ी थी हम लोग सेल कर रहे थे कैसे एक छोटे से स्टॉम जिब के साथ जिब आपको क्लियर हो गया वो ट्रैंगुलर कपड़ा जिसको हम यूज करते हैं वॉटर से बचने के लिए तूफान से बचने के लिए वेव से बचने के लिए एंड वेकिंग एट नोट ये नोट्स क्या है नोट्स पिटो एक यूनिट ऑफ स्पीड होती है ठीक है और ये जो वन नोट होता है ना ये इक्वल टू पर आर होता है तो एट नोट्स यानी कि वो जो पानी का बहाव था उसकी स्पीड कितनी आ रही थी एट नोट्स एट एट नोट पर आर एस एप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव हुई कूड सी एंड लेस इन नॉर्मस सी इज रोलिंग टू वर्ड्स अस लेकिन हमने क्या देखा जैसे ही हमारी शिप जो है वो उठती कहाँ पर टू द टॉप ऑफ ईच वेव देखो ऊपर की तरफ उठेगी शिप को इमेजिन करो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ रही है ठीक है और वो कहाँ पर जा रही है टॉप ऑफ ईच वेव सामने से वेव आ रही है उसके ऊपर ऊपर जाएगी तो हमें क्या लगेगा जैसे सामने से पूरा का पूरा सी इनॉर्मस एंडलेस सी जो है हमारे ऊपर ही रोल करता हुआ आ रहा है एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड ऊपर से क्या विंड की चिल्लाने की आवाज़ है एंड स्प्रे और स्प्रे यानी वो जो बुछार आ रही थी पानी की वो पेनफुल टू द ईयर्स वो ईयर्स को बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी टू स्लो द बोट डाउन अब बोट को धीरे करने के लिए हमने क्या किया वे ड्रॉप द स्टॉम जिप हमने वो जो जिब थी उसको नीचे गिरा दिया एंड लास्ट अ हैवी मूरिंग रोप लास्ट यानी होता है बांधना और मूरिंग रोप आप कह सकते हो एक बहुत ही मोटी रस्सी ठीक है इन अ लूप और वो मोटी रस्सी कैसे बनाई लूप होता है कि गोल कर दे जैसे फंदा नहीं होता फंदे के लिए रस्सी को गोल बना देते हैं वो वाली शेप रस्सी को दे दी ठीक है stern, stern है है द स्टर्न 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 क्या फिश का back, uh, sorry, का सॉरी शिप बैक वाला पार्ट दैट इज तो कहता है हमने बोट को स्लो करने के लिए क्या किया अपनी जो जिब थी उसको गिरा दी और जो मोटी रस्सी थी उसको गोल वाली शेप करके बिल्कुल बांध दी कहा से जो बैक पार्ट था शिप का उससे देन डबल डबल मतलब कि हमने क्या किया हर एक चीज को लास्ट यू कैन से रस्सी से हम लोगों ने रस्सी से क्या किया हर एक चीज को बार बार बांध दिया जैसे एक के ऊपर बार बार धागा लपेटते हैं वैसे बार बार रस्सी लपेट लपेट के टाइट कर दिया वेंट थ्रू आवर लाइफ लाइफ राफ्ट रिल और हमने क्या किया हम कैसे गए थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल ये क्या होती है देखो कि ये ना एक छोटी सी रबड़ की बोट होती है जिसके अंदर क्या भरी हुई होती है एयर भरी हुई होती है ठीक है दैट इज लाइफ राफ्ट ड्रिल इसके अलावा हम लोगों ने क्या की अपनी जो लाइफ लाइन्स थी उनको अटैच किया मतलब जो भी रस्सी वगैरह जो भी चीज़ें थी डोंट ऑयल स्किन डोंट का मतलब होता है पहनना और हमने क्या पहनना ऑयल स्किन पहनी ऑयल स्किन का मतलब होता है कि एक हैवी कॉटन का वाटर प्रूफ मतलब एक कॉटन का कपड़ा होता है ठीक है और वो वाटर प्रूफ होता है ऑयल के साथ ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े दैट इज ऑयल स्किन्स और हमने लाइफ जैकेट्स पहनी लाइफ जैकेट्स आपको अच्छे से पता है आप लोग बोटिंग करने जाते हो तो हमें पहनाई जाती है एंड वेटेड और हम वेट करने लगे द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट सिक्स पी एम पहला जो हमें इंडिकेशन मिला इम्पेंडिंग यानी कमिंग कमिंग डिजास्टर का आता हुआ तूफान वो हमें कब दिखाई दिया एट अबाउट सिक्स पी एम और उससे पहले क्या था विद एन ओमिनस साइलेंस ऑमिनन्स यानी थ्रेटनिंग डरा देने वाली मतलब तूफान से आने की पहले की शांति थी वो और उस शांति को देख के हमें इंडिकेशन हो गया कि डिजास्टर आने वाला है और ये टाइम कब का था सिक्स पी एम द ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क क्या हुआ कि जो विंड थी वो एकदम से रुक गई और स्काई पूरा क्या हो गया डार्क हो गया बादलों से घिर गया देन केम ए ग्रोइंग रोर फिर क्या हुआ एक एकदम से गरजती हुई आवाज़ आई शिप an और एक बहुत ही बड़ा सा क्लाउड क्या किया aft क्या होता है शिप के बैक पार्ट में ठीक है शिप के बैक पार्ट के ऊपर आ गया टोवर्ड यानी ऊपर आना विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट इज नॉट अ क्लाउड और मैं इतना ज्यादा डर गई और फिर मैंने रियलाइज किया कि ये तो क्लाउड है ही नहीं बल्कि ये क्या है अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन एक ऐसी लहर जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल और ये लहर ऐसे लग रही थी वर्टिकल या नहीं सीधा ऐसे था बिल्कुल हमारी जो शिप है उसके ऊपर सीधी आ गई हो एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स और इसकी जो हाइट थी ना इस वेव की बाकी वेव्स की हाइट से ट्वाइस तो थी विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट क्रेस्ट और ये क्या थी बहुत ही डरावनी टूटती हुई क्रेस्ट क्या है टॉप ऑफ वेव ऐसे लग रहा था कि उसका जो वेव का टॉप है वो टूटता जा रहा है देखते हैं ना थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड होता जाता है नीचे आता जा रहा है द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एस मूव अप द फेस ऑफ गरज थी वो और बढ़ गई और वो किस में चेंज हो गई थंडर में यानी गड़गड़ाहट में कैसे एज द स्टर्न मूवड अपने माइंड में इमेजिन करो स्टर्न क्या होता है कि बैक पार्ट ऑफ़ द शिप कि जो बैक पार्ट ऑफ द शिप है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ सामने आती हुई वेव की तरफ जब वेव आ रही है तो उसका बैक पार्ट वेव के ऊपर चढ़ता जा रहा है समझ के एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट थोड़ी देर के लिए मैंने क्या सोचा कि वी मस्ट राइड ओवर इट कि शायद हम लोग इसके ऊपर राइड कर लेंगे वी माइट राइड ओवर इट लेकिन सडनली क्या होता है एक ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन होता है ट्रीमेंडस यानी बहुत ही ग्रेट एक्सप्लोजन यू कैन से बर्स्ट और वो क्या करता है शुक द डेक डेक क्या है कि शिप का वो पार्ट फ्लोर कह सकते हो जहाँ पर हम चलते हैं वो क्या हो जाता है शुक होता है थोड़ा सा वाइब्रेट होता है ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर एकदम से क्या होता है वाइट और ग्रीन कलर के वाटर की बोछार आती है ब्रोक ओवर द शिप और वो बोछार क्या होती है शिप के ऊपर टूट पड़ती है माई हेड स्मैश मेरा जो सिर है वो टकरा जाता है किसके साथ व्हील के साथ टू रेफरिंग ऑफ द शिप ठीक है एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग बोर्ड और मैं ये समझ रहा था मैं इस बात से बिल्कुल अवेयर था कि मैं कहाँ पर फ्लाई कर रहा हूँ बोर्ड मतलब उसके जो शिप थी जो तख्त था उससे बाहर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स और वेव्स के नीचे डूब रहा था आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ मैं समझ गया अब मेरी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और उसने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया अप्रोचिंग यानी आने वाली उसके आने वाली डेथ को समझ गया वो नहीं रहेगा एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस और कहते जैसे जैसे मैं अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर रहा था मतलब मैं होश अपने खो रहा था मैंने क्या फ़ील किया आई फेल्ट क्वाइज पीसफुल मैंने एक शांति को महसूस किया अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वॉटर वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था लेकिन फिर भी मेरा जो सिर है वो पानी से बाहर आता है क्योंकि वो तो पीछे क्या इमेजिन करके बैठा था कि उसकी डेथ नियर है लेकिन उसका सिर बाहर आया तो ये तो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था नेचुरल है अ फ्यू मीटर्स अवे थोड़ी ही दूरी पर wave वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग जो उनकी शिप थी wave वॉकर वो क्या होने वाली थी कैप्साइजिंग यानी पलटने ही वाली थी कैसे उसका जो मास्ट था उसका वो जो डंडा था वो भी क्या हो गया था बिल्कुल horizontal हो गया था अपने माइंड में इमेजिन करो कि एक शिप है वो टेढ़ी हो रही है उसका जो मास्ट है वो भी टेढ़ा हो रहा है वो डूबने ही वाले हैं ऑलमोस्ट कि क्या होता है एक वेव आती है देन अ वेव हर्ड हर अपराइट हर्ल्ड का मतलब क्या होता है तेजी से एक जो वेव है वो एकदम तेजी से उस शिप को धक्का मारती है और वो शिप क्या हो जाती है अपराइट सीधी खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो खड़ी होती है माय लाइफलाइन लाइन जर्ग टोंट और मैं क्या करता हूँ मेरी जो लाइफलाइन थी जो भी रस्सी वगैरह थी उसको जर्ग टोंट यानी धक्के से एकदम झटके से उसको टोंट यानी होल्ड टाइटली एकदम टाइटली पकड़ लेता हूँ आई ग्रैप द गार्ड रेल्स मैंने क्या किया जो भी रेल्स थी वहां पर जो भी डंडे थे उसको पकड़ा एंड सेल थ्रू द एयर एयर में सेल करता हुआ कहाँ पर गया वे वॉक करके मेन मूव में गया मेन पार्ट में गया वो माई टोल्ड यू अर्यर वो डंडा नीचे वाला जो कंट्रोल करता है उस पर्दे को भी एंड एंगल्स को भी सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक अब क्या हुआ ये जो वेव्स थी एक के बाद एक आती हुई लहरों ने मुझे क्या किया टोस्ट कर दिया एकदम उछाल दिया एकदम पटक दिया कैसे कहाँ पर एक डेक पे पलट दिया यानी उस शिप के फ्लोर पे पटक दिया कैसे पटका जैसे कि आप एक रैग रैकडोल को रैग रैकडोल क्या होती है एक डोल जो कपड़े से बनी है और उसके कपड़े क्या हैं फटे हुए हैं उस तरीके से जैसे हम उसको उठा के फेंक देते हैं ना कि यूजलेस है इस तरीके से मुझे उस वेव ने उठा के डेक पे फेंक दिया माई लेफ्ट रिब्स क्रैक और इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो मेरी लेफ्ट रिब थी रिब यानी पसली चेस्ट की जो बोन थी वो क्या हो गई क्रैक हो गई माई माउथ फिल्ड विद ब्लड और मेरा जो मुंह था वो पूरा ब्लड से भर गया मेरे जो दांत थे वो टूट गए अंदर सारे भर गए सम हाउ आई फाउंड द व्हील किसी तरीके से मैंने व्हील को ढूंढा लाइन ऑफ द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन और फिर मैंने क्या किया अगली लहर के लिए उसको सीधा किया ठीक है फॉर द नेक्स्ट वेव और उसके साथ उसके सहारे से मैं कसकर खड़ा हो गया उसको मैंने पकड़े रखा वॉटर वॉटर एवरीवेयर हर जगह पानी ही पानी था अब यहाँ पर आप एक चीज इमेजिन करो कि जो शिप है शिप ऐसे होता है ना नीचे की तरफ भी होती है बेसमेंट में भी होती है जहाँ पर बैठते हैं रहते हैं और ऊपर की तरफ अलग होती है तो ये कहता है आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो तो उसका जो शिप का नीचे वाला पार्ट था उसमें क्या था बहुत हर जगह पानी आ चुका था बट आई डेयर नॉट लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्या कि मैं अबंडन करूं व्हील को अबंडन का मतलब होता है टू लीव छोड़ना कि ऊपर जो मैंने व्हील को पकड़ा व्हील यहाँ पर बार बार स्टेरिंग के लिए यूज हुए कि स्टेयरिंग को छोड़ के मैं इन्वेस्टिगेट करने जाऊं नीचे जाके देखूं कि पानी कहाँ से आ रहा है सडनली क्या हुआ द फ्रंट हैच वॉज थ्रो ओपन एकदम से हैच यानी दरवाजा जो ऊपर की तरफ दरवाजा खुलता था वो एकदम से वो खुला और वहां से कौन आई मैरी हिज वाइफ मैरी एकदम से आई और वो क्या कहती है वी आर आर सिंकिंग हम लोग डूब रहे हैं स्क्रीम्ड वो चिल्लाई द डेक्स जो deck जो डेक है है यानी फ्लोर उसका नीचे वाले पार्ट का जो मेन बेस है वो क्या हो गया स्मैश हो गया वो टूट गया वी आर फुल ऑफ वाटर टूटेगा तो नेचुरल है कि नीचे से पानी ऊपर आएगा तो पूरा क्या हो गया हम लोग पानी से भर चुके हैं आई शाउटेड अब वो जो चिल्लाता है और क्या कहता है टेक द व्हील तुम क्या करो इस व्हील को संभालो स्टेरिंग को संभालो एज आ स्क्रैम्बल फॉर द हेच और वो क्या करता है हाथ पैर मारता हुआ एकदम से भाग के कहा जाता है दरवाजे की तरफ वहाँ पर वो क्या देखता है कि लेरी एंड हॉबिंग लाइक मैडमैन ये दोनों ये दोनों कौन थे याद है ना क्रियूमैन थे ये लोग क्या कर रहे हैं पानी निकाल रहे हैं कैसे पागलों की तरह ब्रॉक्कन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स ब्रॉकन टिम्बर्स यानी जो लकड़ी के तख्ते वगैरह थे टूटे फूटे वो ऐसे लटके हुए हैं क्रेजी एंगल्स कोई कहाँ पर है कोई कहाँ पर है द होल स्टार बोर्ड साइज बल्ज इन वोर्ड स्टार्ड क्या होता है बोट के फ्रंट पार्ट से जो राइट right साइड होती है ना बोट की दैट इज और वो क्या हो गई थी बल्ज यानी धस जाना धस कहा गई थी अंदर की तरफ वो धस गई थी और जितने भी क्लोथ क्रोकर चार्ट टिन टॉयज जितनी भी सारी चीजें पड़ी थी वो डीप वाटर में क्या कर रही थी स्लॉस्ड कर रही थी स्लोश होता है फ्लॉट करना फ्लॉट विद अ साउंड आई हाफ क्रॉल्ड द चिल्ड्रंस कैबिन मैं आधा स्विमिंग करता हुआ आधा रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन में गया उनके रूम में गया और मैंने पूछा आर यू यूट क्या तुम ठीक हो यस yes. उन्होंने कहा हाँ बेड हेयर और बेड कैसा है थ्री लेयर वाला बेड नहीं होता सबसे नीचे मिडल वन अपर वन अपर बेड से आवाज आई यस बट माई हेड हर्ट सब इट ने क्या बोला लेकिन मेरा जो सिर है उसमें थोड़ी सी पेन है और वो ये बात कैसे बोलती है पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज अपनी आइज़ के ऊपर एक बड़ा सा बम्प दिखाते हुए बम्प क्या है कि जो थोड़ा सा सु जाना स्वेलिंग हो जाना सिर्फ थोड़ा सा बाहर आ जाए उसको दिखाते हुए वो बोलती है आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्पड हेड्स और उसके जो फादर हैं वो क्या बोलते हैं कि अभी मेरे पास इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है एज द सिचुएशन वॉज वेरी मच क्रिटिकल आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवस उन्होंने क्या किया वो अपने काम में बिजी थे उन्होंने हैमर ढूंढा हथौड़ा ढूंढा स्क्रूज नट्स वगैरह ढूंढे कैनवस यानी तिरपाल होती है वो ढूंढी एंड आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक और मैं वो सारी चीज़ें इकट्ठे करके स्ट्रगल करता हुआ वापस कहाँ पर पहुँचा डेक पर पहुंचा डेक रेफर्स टू फ्लोर विद द स्टार बोर्ड साइड बैस्ट ओपन अब क्या था कि जो स्टार बोर्ड की जो साइड थी वो क्या थी टूटने की वजह से खुल गई थी ठीक है वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव और हम लोग क्या कर रहे थे कि हर एक जो टूटने की वजह से क्या था जो भी वेव आती वो अंदर पानी ले के आती दैट ब्रोक ओवर और वो क्या होती हमारे ऊपर टूट पड़ती वो सारी वेव्स उसका पानी इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक और मैंने क्या देखा क्या नोटिस किया कि अगर हमने इसको रिपेयर नहीं किया तो हम लोग पक्का से ही डूब जाएंगे somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers. lekin kisi लेकिन किसी तरीके से मैंने aur किया और मैंने वहाँ पर क्या बिछाई एक ek यानी एक di बिछा दी एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच इसका मतलब क्या है कि जो लकड़ी के मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े थे ना जो भी थे मैंने उसका यूज करके किसको फिल किया जो गैपिंग होल्स जो होल्स थे उनको मैंने उससे भरा सम वाटर कॉन्टिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड वो कहते हैं कुछ पानी जो था वो तो नीचे से आता ही रहा लेकिन लगभग ज्यादातर जो पानी था वो क्या हो गया था डिफ्लेक्ट हो गया था यानी मुड़ गया था ओवर द साइड दूसरी तरफ मोर प्रॉब्लम अराउस लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आई जब हमारा हैंडप उनके पास एक हैंडपम्प है और एक इलेक्ट्रिक पंप है जो हैंड पंप है वो ब्लॉक हो जाता है ब्लॉक कैसे हो जाता है डैबरीज के साथ डैबरीज क्या होते हैं कि जो कंकर वगैरह होते हैं जो भी पत्थर वगैरह वो सब फ्लॉट हो रहे थे पूरे कैबिन में वो जाके उस हैंड पंप में फंस जाते हैं और वो हैंड पंप ब्लॉक हो जाता है और जो इलेक्ट्रिक पंप होता है उसमें क्या आ जाता है शॉर्ट सर्किट आ जाता है ठीक है दोनों चीज़ें खराब हो गई हैं और क्या हो रहा है कि जो वाटर का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है कैसे थ्रेटिंगली बहुत ही खतरनाक ढंग से पानी बढ़ता जा रहा है बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर पीछे मैंने क्या देखा कि मुझे ध्यान था कि हमारे पास दो स्पेयर हैंडपम्प और भी पड़े हैं है स्पेयर यानी एक्स्ट्रा पड़े हैं लेकिन क्या था हेड बिन ओवर बोर्ड अलॉन्ग विद द वो भी क्या थे वो भी वहां पर गिर गए थे किसके साथ फोर्स से सेल के साथ ये एक रोप होती है जो फ्रंट पार्ट में लगाई जाती है टू सपोर्ट जिब आपको पता है डिंगीज एक स्मॉल बोट को बोलते हैं मेन एंकर क्या होता है ये भी एक हैवी डिवाइस होता है पॉट के साथ अटैच किया जाता है उसको पुल करने के लिए तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर गिर गई थी अंदर देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प लेकिन फिर मुझे याद आता है एक इलेक्ट्रिक पम्प और भी पड़ा है कहाँ पर अंडर द रूम फ्लोर चार्ट रूम फ्लोर के नीचे आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप मैंने क्या किया उसको बाहर वाली पाइप से कनेक्ट कर दिया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क और मेरे को बहुत ही रिलीफ मिला कि वो जो पंप uh, था फाइनली इट वर्क आउट एंड ही वाज़ फीलिंग थैंकफुल द नाइट ड्रैग ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन वो कहते हैं कि जो पूरी रात थी ड्रैग यानी खिंचना पूरी रात खिंचती गई कैसे एक एंडलेस नाइट थी क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रही थी वो एंड ना खत्म होने वाली थी बिटरली कोल्ड रूटीन और हमारा जो रूटीन था वो सिर्फ इतना गंदा था और एक ही चीज़ पे हम लोग बार बार फोकस कर रहे थे कि आप पंपिंग या तो हम पानी पंप कर रहे हैं या हम स्टेयरिंग स्टेयरिंग यानी व्हील संभाल रहे हैं या फिर हम लोग वर्किंग किस पे कर रहे हैं रेडियो के ऊपर कि हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल्स लेकिन हमारी जो मे डे कॉल्स थी मे डे कॉल्स क्या होती है इंटरनेशनल जब हम सिग्नल देते हैं रेडियो से ताकि हम बात कर पाए लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था कोई सिग्नल ही नहीं था वहाँ पर विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग लेकिन ये भी कोई हैरानी की बात नहीं थी इस तरीके के रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड की मतलब हम लोग वर्ल्ड के ऐसे कॉर्नर पर थे इतनी दूरी में थे कि अगर कॉल्स नहीं हो रही सिग्नल नहीं पकड़ रहा तो इट्स नेचुरल सूज हैड हेड फॉल एंड अलार्मिंगली लेकिन जो सू का हेड था वो कैसे सूझ रहा था अलार्मिंगली यानी बहुत ही बुरी तरीके से खतरनाक तरीके से सुझता जा रहा था शी हेड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज और उसकी आइज भी दोनों बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी नीचे से ब्लैक हो रही थी एंड नाउ शी शोल्ड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म और उसने अपने आर्म पे उसने हमें क्या दिखाया एक कट भी आया हुआ था एंड वेन आई आस्ट वाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ अर इंजरीज और जब मैंने उनसे ये पूछा हैड नॉट मेड मोर ऑफ और इंजरीज मतलब कि उसने डिस्कस क्यों नहीं किया अबाउट इज इंज हर इंजरी तो बिफोर दिस इससे पहले उसने इस इंजरी के बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया तो वो रिप्लाई देती है आई टू वरी यू मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो ट्राइंग टू सेनवरी थ्री दम्प हेट द वॉटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल फॉर अर्स टू टेक टू आवर्स इन रोटेशन जनवरी थ्री की सुबह तक विद द हेल्प ऑफ पम्प जो वॉटर था वो सफिशियंटली अंडर कंट्रोल आ गया था और अब हम लोग दो दो घंटे की रेस्ट ले पा रहे थे कैसे इन रोटेशन पहले एक पर्सन रेस्ट करता दो घंटे के लिए फिर दूसरा करता ऐसे बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन लेकिन अभी भी कहीं पर बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही थी कहाँ पर बिलो द वाटर लाइन वाटर लाइन क्या होती है आपने देखा होगा कि जो हमारी बोट होती है वो थोड़ी सी पानी के नीचे होती है बाकी ऊपर होती है जो पानी जहाँ तक आ रहा होता है ना नीचे वाली तरफ से ऊपर तक जो थोड़ी सी डूबी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं वॉटर लाइन एंड ऑन चेकिंग और जब हम लोगों ने चेक किया तो हमने क्या पाया दट नियरली ऑल द बोर्ड्स वैश डाउन टू द नील की जो बोट का मेन पार्ट है वो क्या हो चुका है स्मैश हो चुका है स्मैश यानी बुरी तरह से टूट चुका है कहाँ तक टू द नील नील तक नील क्या होता है इन द बॉटम ऑफ द शिप तो वहाँ मेन फ्रेम मेन रिप से लेके नीचे तक पूरा बुरी तरह से टूट चुका था इनफैक्ट देर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड और इवन उनके पास कुछ ऐसा था भी नहीं होल्डिंग अप यानी किसी को रोक पाना तो उस पूरे सेक्शन को जो स्टारबोर्ड का था स्टारबोर्ड यानी राइट right साइड आपको पता है बोर्ड की उसका पूरा सेक्शन डैमेज हो चुका था वहां से पानी एंटर हो रहा था लेकिन रोक पाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय फ्यू कबर्ड पार्टिशंस के सिवाय उनके पास थोड़े थोड़े वो लकड़ी के जो भी पार्टीशंस पड़े थे उसके अलावा वी है फिफ्टीन आवर्स सिंस द वेव हिट बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टूगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अर्स टू रीच ऑस्ट्रेलिया अब हम लोगों ने सर्वाइव कर लिया था किसे वेव से फिफ्टीन आवर्स तक ठीक है लेकिन अब वे वॉकर जो था वो इतना हमें नहीं सर्वाइव कर सकता था और हमें नहीं बचा सकता था कि हम लोग कहाँ पहुँच पाएँ ऑस्ट्रेलिया पहुँच पाएँ तो उन्होंने चेक किया कि बीच में अगर कोई जगह आती है तो हम वहाँ रुक जाते हैं तो आई चेकड आवर चार्ट मैंने अपने चार्ट को चेक किया एंड कैलकुलेटेड दैट और कैलकुलेट करके क्या देखा कि देयर आर टू स्मॉल आइलैंड दो छोटे छोटे आइलैंड और हैं जो कहाँ हैं अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर टू द ईस्ट ईस्ट की तरफ है और थोड़े ही हंड्रेड किलोमीटर दूरी पर हैं वन ऑफ दैम उसमें से एक का नाम क्या है आइल एम्स्टरडेम जो क्या है वॉज़ अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस मतलब जिसका फ्रांस का साइंटिफिक बेस है आवर ओनली होप वॉज़ टू रीच और हमारी उम्मीद क्या थी हमारी उम्मीद ये थी कि हम यहाँ पर पहुँच जाएँ और इनको क्या बोला है पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन और ये जो आइलैंड थे ना ये बहुत छोटे थे जैसे पिनप्रिक होता है पिन क्या होता है कि अगर आप सुई मारते हो आपका ब्लड आप चेक कराने चाहते हो तो सुई मार के ब्लड निकालते हैं ना कितना छोटा सा छेद होता है तो वो कहता है इतना छोटे से आइलैंड थे एक बहुत बड़े ओशियन में बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड वो कहते हैं लेकिन जब तक जो सी है वो कम नहीं होती जब तक जो हवा है वो कम नहीं होती जब तक जो सी है वो शांत नहीं होती सो वी कुड नॉट होइस्ट सेल तो हम लोग क्या कर सकते थे होस्ट होता है लहराना सेल उनका मेन पर्दा तो जब तक ये दोनों चीजें काम डाउन नहीं होती वो अपना मेन पर्दा लहरा नहीं सकते थे और हमारे जो चांसेस थे सरवाइवल के वो क्या होते जा रहे थे वुड बी स्लिम इन बहुत कम होते जा रहे थे द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑग्जरी इंजन आउट ऑफ एक्शन और ये जो बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी इन्होंने क्या किया था जो हमारा ऑग्जलरी इंजन था जो उन्होंने एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी इंजन रखा हुआ था इमरजेंसी के लिए वो उसने उसको भी खराब कर दिया था वो भी एक्शन में मूवमेंट में नहीं था ऑन जनवरी फोर आफ्टी सिक्स आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग जनवरी फोर की बात है छत्तीस घंटे की लगातार पंपिंग कर करके करके -कर हम कहा पहुंच गए लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर पे पहुंच गए कि अब थोड़ा सा पानी रह गया नाउ वी हैड ओनली टू की वाटर स्टिल कमिंग इन अब हमें क्या करना था सिर्फ जितना पानी अंदर आ रहा था उतना ही बाहर निकालना था उसी को मेंटेन करके रखना था बैलेंस बना के रखना था वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट लेकिन हम लोग जो हमारा मेन मास्ट था उस पर कोई सेल नहीं कर पा रहे थे उस पर मेन पर्दा नहीं लहरा पा रहे थे जिसकी वजह से जो बोट की स्पीड थी वो काफी स्लो थी प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अ पार्ट कहते हैं अगर हम लोग सेल को लहराते तो क्या होता रस्सियों पर दबाव पड़ता है रिगिंग यानी रोप्स वायर्स जो भी है और इन पर दबाव क्या होता कि जो डैमेज सेक्शन है किसका बोट का वो क्या होता अलग हो जाता अगर हम इस पर प्रेशर डालते तो तो हम लोगों ने क्या किया वी होस्टेड द स्टोम जिप हमने हमारी जो जिप थी उसको लहरा दी एंड हैडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइजलैंड वर और उसी की हेल्प से हम लोग मूव करते गए जहां हमने सोचा था कि जो दो आइलैंड होंगे वहां पर मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज अब मैरी ने क्या खाया मैरी उसकी वाइफ थी उसने कुछ कॉर्न बीफ कॉर्न बीफ यानी क्या होता है गाय का जो मांस होता है उसको बोलते हैं कुछ क्रैकर बिस्किट्स खाए और ये जो थी हमारी पहली मील थी इन ऑलमोस्ट

फोर्टी नोट्स एंड द सी वर गेटिंग हाइयर और सी यानी कि जो लहरें थी सी की वो क्या होने लगी बहुत ज़्यादा ऊँची होने लग गई द वेदर कॉन्टिन्यू टू डेटरेट अब जो वेदर था वो और ज़्यादा खराब होता जा रहा था थ्रू आउट द नाइट पूरी रात एंड बाय डॉन ऑन जनवरी फाइव और जनवरी फाइव की सुबह को क्या हुआ आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट हमारी जो सिचुएशन थी वो फिर से डेस्परेट हो गई फिर से निराशाजनक हो गई When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on. अब क्या होता है कि वो जाते हैं अपने बच्चों के पास अपने बच्चों को कम्फर्ट करने के लिए उनको रिलैक्स करने के लिए तो उनका जो बेटा होता है जॉन वो पूछता है डैडी आर वी गोइंग टू डाई क्या हम मरने वाले हैं आई ट्राई टू अश्योर हिम मैंने उसे श्योर करने की कोशिश की उसे सांत्वना देने की कोशिश की देट नॉट टू वरी वी कॉड मेक इट हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे बट डैडी वो कहता है वो आगे बोलता है क्या वी आर नॉट अ फ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर अगर हम सब साथ हैं तो मुझे मरने से हमें बिल्कुल डर नहीं लगता कौन कौन साथ हैं आप मैं मम्मी एंड सु आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड वो कहते हैं कि अपने बेटे की ऐसी बात सुनने के बाद मेरे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं बचे कि मैं उसको क्या रिस्पॉन्स दूँ बट आई लव द चिल्ड्रन्स कैबिन लेकिन मैंने मेरे बच्चों के कैबिन को छोड़ दिया और मैं बाहर आ गया कैसे डिटर्मिनेशन के साथ कि मैं सी से फाइट करूँगा विद एवरीथिंग आई हैड जो भी मेरे पास है उससे जितनी डिटर्मिनेशन मेरे पास है उससे टू प्रोटेक्ट the स्टार बोर्ड साइड अब जो स्टार बोर्ड की साइड वीक हो गई थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या डिसाइड किया ही टू हीव टू यानी कि मैं उसको लिफ्ट करूंगा एफर्ट्स के साथ मैं किसका सहारा लूंगा इसको बांध दूंगा मैं उस अनडेमेज पार्ट के साथ जो अभी भी वेव्स का सामना कर रही हैं और उसके लिए मैंने क्या किया मैंने एक एंकर बनाया यूजिंग एंड इम्प्रोविस्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलोन रोप एंड टू ट्वेंटी टू लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन मतलब मैंने क्या किया मैंने एक एंकर बनाया किसके साथ हीवी नाइलोन की रस्सी के साथ और ट्वेंटी टू लीटर पैराफिन यानी मिट्टी के तेल वाले प्लास्टिक के बैरल्स यानी बड़े बड़े कंटेनर का यूज़ करते हुए मैंने एक एंकर बनाया जिसकी हेल्प से अब वो क्या करेंगे उस वीकेंड स्टारबोर्ड साइड को उठाएंगे दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप रोट मोर एंड मोर वाटर उस शाम को क्या था मैरी और मैं बैठे हुए थे हाथों में हाथ डाल के और क्या था कि जो मोशन था शिप का ब्रॉड मोर एंड मोर वाटर उससे क्या हो रहा था और, और पानी अंदर आया जा रहा था कैसे थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स प्लैंक्स यानी जो लकड़ी के तख्ते थे टूटे हुए थे वहाँ से पानी अंदर आ रहा था वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वॉज नियर और हमने क्या महसूस किया कि अब हमारा जो डेथ है वो बहुत ही नियर है बच वे वॉकर रोड आउट द स्टोम एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ जेनसिक्स विद द विंड ईजिंग अब क्या हुआ कि जो वे वॉकर थी वो तूफान से गुजरी और बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी सिक्स जो विंड्स थी वो भी क्या हो गई ईजिंग हो गई कम हो गई हवा भी आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट मैंने क्या सोचा कि एक बार रीडिंग लेता हूँ सेक्सटेंट पे सेक्सटेंट क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपकी पोजीशन को जानने के लिए और जिसकी हेल्प से आप रूट को फाइंड आउट कर पाते हो तो वो ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि थी कि आप वो कहाँ मूव करें आइलैंड में जाने के लिए तो उसने सेक्सटेंट को रीड करना शुरू किया उसके लिए उन्होंने क्या किया बैक इन द चार्ट चार्ट रूम वापस वो चार्ट रूम में जाता है आई वर्क स्पीड मैंने विंड की स्पीड चेक की स्पीड की, की वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे ड्रिफ्ट एंड करंट यानी जो भी बहाव है जो भी धाराओं का बहाव है इन सब चीजों को कैलकुलेट किया किस लिए टू कैलकुलेट आवर पोजिशन अपनी पोजिशन को कैलकुलेट करने के लिए द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड वॉज दैट जो सबसे बेस्ट में डिटरमाइन कर पाया वो मैंने क्या फ़ाइंड आउट किया कि हम लोग कहाँ हैं वी वर सम इन वन लाख फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर ऑफ ओशियन मतलब हम एक ऐसे ओशियन में हैं जिसकी जो कितना बड़ा है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर का है और हम लोग उसमें एक छोटे से आईलैंड को ढूंढ रहे हैं जिसकी जो कितना है सिक्सटी फाइव किलोमीटर का ये उसने फाइंड आउट किया वाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूव पेनफुली जॉइन मी अब जब मैं ये सब बातें सोच रहा था तो शु मेरे पास आती है और वो कैसे मूव करती हुई आती है धीरे धीरे दर्द से चलती हुई आती है क्योंकि जो लेफ़्ट साइड थी उसके हेड की वो अब और ज़्यादा सोलन हो गई थी और ज़्यादा सूज गई थी और उसकी जो काली काली आइज़ हो गई थी वो कैसे हो गई थी नैरो टू स्लिट वो आइज इतनी पतली होगी एक स्लिट की तरह स्लिट आप कह सकते हो एक लाइन लाइन आप ये सोचो जो दीवार की दरार होती है कितनी पतली होती है इतनी नैरोकी आइज़ हो चुकी थी शी मी अ कार्ड शी हैड मेड और लेकिन उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरी केचर्स उस कार्ड के फ्रंट पे उसने क्या ड्रॉ किए हुए थे कैरी केचर्स कैरी केचर्स क्या होते हैं कार्टून बनाए हुए थे कार्टून किसका था मैरी एंड मी मेरा और मेरी का विद द वर्ड्स और उस पर उन्होंने क्या लिखा था हेयर आर सम फनी पीपल यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं डिट द मेक यू लाव क्या ये तुम्हें हंसाया उन्होंने तुम्हें हंसाया है आई लाव अ लॉट एज वेल और मुझे हंसी भी आ गई ये सब पढ़ने के बाद इन साइज वॉज अ मैसेज और उसके अंदर एक मैसेज था कार्ड के अंदर वो क्या था ओह हाउ आई लव यू बोध कि मैं आप दोनों को कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू ये जो कार्ड है आपको थैंक यू बोलने के लिए एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड होप कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए सम हाउ वी हैड टू मेक इट किसी ना किसी तरीके से हमें इस पर काबू पाना ही होगा आई चेक एंड री चेक माई कैल्कुलेशन वी हैड लोस्ट आवर मेन कंपास मैंने क्या किया अपनी कैलकुलेशंस को फिर से चेक किया क्योंकि वो उतनी चाहता था कोई भी गलती हो फिर से रीचेक किया और वो क्या कहता है कि हमारा जो मेन कंपस था वो तो हम लॉस्ट कर चुके थे तो मेरे पास क्या यूज़ कर रहा था मैं एक स्पेयर था एक एक्स्ट्रा था वो यूज़ कर रहा था लेकिन विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस अगर हम इसकी मैग्नेटिक वेरिएशन की बात करें कि जो प्रॉपर है वो ये नहीं दिखाएगा अकॉर्डिंग टू दैट तो मैंने क्या किया आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस मैंने क्या किया अलाउंस यू कैन से मैंने ना एक मार्जिन रख लिया कि इसमें इतनी गड़बड़ हो सकती है एरर के लिए मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस द पार्ट ऑफ़ द इंडियन ओशियन अब मैंने एक चीज़ और देखी कि जो इंडियन ओशियन है उसमें क्या है ये जो इंडियन ओशियन का पार्ट है इसमें वेस्टर्न जो करंट है वो फ्लो हो रहा है ठीक है और उसके लिए भी मैंने क्या किया थोड़ा सा मार्जिन और छोड़ दिया और उसमें ऐड कर दिया अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस की ये चीज़ भी हो सकती है और ये सब मैंने मार्जिन क्यों छोड़े ताकि मैं अप्रोप्रिएट कैलकुलेट कर पाऊँ कि हमें कितनी डिग्री पे मूव करना है अबाउट टू पी एम आई वेंट ऑन डेक और लगभग दो बजे मैं डेक पर गया उस फ्लोर पे गया और मैंने लैरी को बोला टू स्टेयर अ कोर्स ऑफ वन एटी फाइव डिग्री कि तू अपना स्टेयरिंग कहाँ घुमा ले वन एटी फाइव डिग्री पे घुमा ले उसने कैलकुलेशंस करने के बाद ये फाइंड आउट किया इफ़ वी वर लकी अगर हम लोग लकी हुए आई टोल्ड हिम विदिक्शन मैंने ना उसको बिल्कुल विश्वास के साथ बोला क्या कि अगर हम लकी हुए तो हम लोग आईलैंड पे पहुंच जाएंगे पाँच बजे तक लेकिन आई डिडेंट फील ही कूड एक्सपेक्ट टू सी द आईलैंड लेकिन ही डिडेंट फील मतलब ही रेफर्स टू हेयर लैरी लेकिन लैरी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो कम्फर्टेबल नहीं था कि पता नहीं पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे लेकिन ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट देन विद अ हैवी हर्ट फिर एक भारी दिल के साथ आई वेंट बिलो मैं नीचे गया क्लाइम्ड ऑन माई बंक अपने बेड पर चढ़ा एंड अमेजिंगली शॉकिंगली पता क्या हुआ डोज रोफ उसको नींद आ गई एंड व्हेन आई वॉक अप और जब वो उठा तो शाम के छः बजे थे अंधेरा हो रहा था मतलब इतने स्ट्रेस वाले एनवायरमेंट में भी वो सो गया आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आईलैंड वो कहते मेरे को पता था कि हमने जो आइलैंड है ना उसको पक्का मिस कर दिया होगा पक्का पीछे छोड़ दिया होगा एंड विद द सेल वी हेड लेफ्ट और जो सेल हमारे पास बची हुई थी उससे ये तो हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि जो वेस्टर्नली विंड्स हैं उनको हम बीट बैक कर सके एट दैट मोमेंट ए टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक एक जो है टसल्ड हेड का मतलब होता है उलझे हुए बालों वाला आदमी और वो कौन था उसका बच्चा था उसका बेटा था वो कहाँ पर आया एकदम से ना उसके बंक पे आ गया उसके बेड पे आ गया और वो क्या कहते हैं किसने बोला जॉनेथिंग आस्ट सो वॉज राइट बिहाइंड हिम और उसके पीछे कौन थी सुजैन भी थी वाई एम आई गेटिंग हग नाउ आई आस्ट मैंने पूछा कि आप लोग मुझे गले क्यों मिल रहे हो किस खुशी में बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड और मेरे सन ने क्या बोला क्योंकि आप सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे अच्छे कैप्टन हो पूरी दुनिया में नॉट टूडे जॉन आई एम अफ्रेड नहीं आज नहीं क्योंकि मुझे डर है मतलब उसे ये लग रहा था कि हमने मिस कर दिया तो मैं एक अच्छा डैडी नहीं हूँ मैं उन्हें नहीं बचा पाया वाई यू मस्ट वी क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है यू आर आप एक अच्छे डैडी हो सेट सू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस और वो ये बात बोलती है अपनी ट्रू फीलिंग्स के साथ वो और वो क्या कहती है यू फाउंड द आईलैंड आपने आईलैंड ढूंढ लिया है वीट इट मैं चिल्लाया क्या इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस देखो बाहर ये हमारे सामने है दरस्ट यानी सब लोग ग्रुप में एक साथ बोलना वो दोनों एक साथ बोले और देखो वो जो आइलैंड है वो कितना बड़ा है एज बिगेस्ट बैटल शिप एक बैटल शिप के जितना बड़ा है फटाफट भाग के डेक के ऊपर गया और मैंने देखा एक सुकून की सांस लेते हुए क्लियर आउटर बॉर्डर मैंने देखा किसका एम्स्टरडेम का इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वर्कैनिक रॉक और ये क्या था ब्लिक यू कैन से ब्लैक एक ब्लैक पीस था किसका वोलैनिक रोक का विद लिटल वेजिटेशन और यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है स्टिल इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल आईलैंड इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस विच इज लास्ट होप फॉर सर्वाइवल फॉर हिम एंड हिज फैमिली वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट इंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल ट्वेंटी एट इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज देल्पर्स अ शोर एंकर का मतलब क्या होता है कि आप देखते हो ना कि शिप को नीचे की तरफ बांधा जाता है साइड में कहीं पर जब हम खड़ी करते हैं तो और ऑफ क्या होता है कि किनारे से थोड़ी सी दूरी पर तो रात को हम लोगों ने क्या किया हमारी जो शिप थी उसको किनारे से थोड़ी सी दूरी पर बांध दिया एट द बॉटम ठीक है एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल और अगली सुबह क्या हुआ कि सभी वहां पर जो ट्वेंटी एट इनहेबिटेंट्स थे वहां के जो वासी थे आइलैंड के उन्होंने क्या किया चीयर अप मतलब खुशी खुशी उन्होंने हमारी हेल्प की और उन्होंने हमें कहाँ पहुँचाया अशोर अशोर मीन्स ऑन द शोर ऑफ द लैंड उन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचा दिया विद लैंड अंडर माई फीट अगेन और मैंने क्या पाया कि फिर से अपने पैरों के नीचे फाइनली उसने लैंड को फील किया धरती को फील किया माई थॉट्स फॉर फुल ऑफ लेरी एंड हरबी और उस टाइम पर मेरा माइंड कहाँ चल रहा था मेरे दिमाग में कौन थे लैरी था हर्बी था कि वो कितने ज्यादा चीयरफुल रहे कितने ज़्यादा खुश मिजाज रहे कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहे पॉजिटिव रहे अंडर द डिरेस्ट स्ट्रेस डिरेस्ट यानी एक्सेस में स्ट्रेस होने के बावजूद भी एंड ऑफ मैरी फिर मैंने मैरी के बारे में सोचा अपनी वाइफ के बारे में हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रेशियल आर्ट्स जिसने क्या किया उस जो क्रिशियल से इंपॉर्टेंट आर्ट से उसमें उसने किसको संभाला व्हील को संभाला स्टेयरिंग को संभाला मोस्ट ऑफ ऑल मैंने उस सेवन ईयर ओल्ड गर्ल के बारे में सोचा जो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी अपनी हेड इंजरी के बारे में बता के विथ सब्सिक्वेंटली टू सिक्स माइनर ऑपरेशन और उसको वो जो चोट लगी थी जिसके बाद उसको क्या हुआ सिक्स छोटे छोटे उसके ऑपरेशन हुए किस लिए टू रिमूव रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल की उसकी जो स्किन और स्कल के बीच में बार बार रिकरिंग यानी बार बार एक क्या बन जाता था ब्लड क्लॉट बन जाता था उसको रिमूव करने के लिए उसके छः छोटे छोटे ऑपरेशन हुए लेकिन वो इतनी ब्रेव थी वो स्ट्रेस नहीं डालना चाहती थी इतनी मैच्योर थी कि उसने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और फिर वो किसके बारे में सोचता है अपने छः साल के बेटे के बारे में सोचता है हु वॉज नॉट अ फ्रेड टू डाई सो दिस वॉज द चैप्टर and the main message which we get from this chapter is in short unity is strength and we should never lose hope in any condition thank you very much please like share support and subscribe our own youtube channel enjoy english with bhavya ma'am click on description to watch other videos of class 11th and all videos of class 11th are also available in playlist i hope you understood the chapter and for more videos please check the playlist thank you